दोस्तों, आए दिन आप लोग चीन के बारे में कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। ऐसा ही अनसुनी बातें एक और भी है। आपको बता दें कि यदि आप कभी भी चीन जाएंगे तो ये चीज़ें किसी को भी गिफ्ट में मत दीजिएगा, चाहे वो आपका अपना खास आदमी ही क्यों ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में सफ़ेद फूल और घड़ी तोहफे में देना गलत माना जाता है, और चीन इसलिए ऐसा मानता है कि सफ़ेद फूल किसी के अंतिम संस्कार पर दिया जाता है और घड़ी आदमी के जीवन में कम समय बचने का प्रतीक होता है। इसी कारण से ये दोनों चीज़ें चीन अपशगुन मानता है। दोस्तों, ये फैक्ट वीडियो आप सभी को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए। हे दोस्तों, आपने तो काला पानी की सज़ा का नाम सुना ही होगा, लेकिन ये सज़ा कैसे और क्यों मिलती है क्या आपको पता है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको बता दूं कि सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। जो कैदी सजा पाकर इस जेल में पहुंचता था उसे ही काला पानी की सज़ा कहा जाता था। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सा होगा? यदि नहीं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम उत्तर भारत में हिमालयों से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। दोस्तों, ये फैक्ट वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए।